जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्री स्टेशन में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से हार्स यानी कि एक कॉइन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, देखा था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रैबिट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए देरी लगाते हुए फटाफट हम लोग रिविजन करते हैं, फटाफट रिविजन करेंगे हम लोग रैबिट का। देखिए, जूलॉजिकल नेम की बात करें तो ऑरेटोलाइगस क्यूनिकुलस होता है रैबिट का जूलॉजिकल नेम। फैमिली की वहीं पर बात करें तो लेपोर्डी होती है, और ऑर्डर की बात करें तो लेगोमॉर्फा ऑर्डर होता है किसका, रैबिट का। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो हार्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, तो पेरिसोडक्टाइला होता है। और वहीं पर हम लोग बात करें अगर काउ बफेलो शीप गोट पिग और कैमल की, तो क्या होता है, आर्चियोडक्टाइला होता है उसका ऑर्डर। आगे बात करें मैच्योर फीमेल रैबिट यूज फॉर ब्रीडिंग, यानी कह सकते हैं हम लोग मैच्योर फीमेल को क्या बोलते हैं, डोय बोलते हैं, जो कि गोट में है। और सेम वही मैच्योर मेल को क्या बोलते हैं, तो बक बोलते हैं। आगे बात करें यंग रैबिट हुज आइज आर नॉट ओपेंड, उसे क्या बोलेंगे, किट बोलेंगे। रैबिट बिलो 20 वीक्स क्या बोलेंगे, उसे बनी बोलेंगे। और 10 टू 12 वीक्स रैबिट रेडी फॉर मार्केट, उसे क्या बोलेंगे, फ्रायर बोलेंगे। यानी कि 10 टू 12 वीक्स रैबिट क्या बोलेंगे, फ्रायर बोलेंगे। आगे बात करें कल्ड रैबिट को क्या बोलेंगे, रोस्टर बोलते हैं। और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन क्या बोलते हैं, किंडलिंग बोलते हैं। आगे बात करें किट्स बॉर्न इन अ सिंगल किंडलिंग, उसे क्या बोलते हैं, लीटर बोलते हैं। और एन्यूली बीन्ड रैबिट को क्या बोलते हैं, बीनर बोलते हैं। आगे बात करें वूल को क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं। और स्किन को पेल्ट कहते हैं। प्लेस वेयर डोमेस्टिकेटेड रैबिट आर केप्ट रैबिटरी कहते हैं। कंजप्शन ऑफ ओन फेशियल मैटर तो साइकोट्रॉफी आर कोप्रोफैगी उसे कहते हैं। आगे बात करें रैबिट ग्रो वेरी फास्ट फॉर मीट पर्पज, उसे ब्रॉयलर रैबिट कहते हैं। और 2 केजी वेट इन 12 वीक्स में हो जाता है इसका। आगे बात करें मीट टाइप की, जो व्हाइट मीट होता है इसका टाइप, मीट टाइप जो होता है व्हाइट मीट इसे कहते हैं। रेड मीट और व्हाइट मीट आप जानते होंगे। और ये मीट जो होता है ये यूजफुल फॉर हार्ट पेशेंट के लिए होता है। मीट प्रोड्यूसर्स 10 to 15 टाइम्स मोर इट ओन बॉडी वेट। आगे बात करें गेस्टेशन पीरियड की, 31 डेज का होता है एवरेज में। रैबिट प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, 3 टाइप्स का प्रोडक्शन सिस्टम होता है। पहला होता है बैकयार्ड स्मॉल स्केल रैबिटरी, इसमें फ्यू फीमेल होते हैं यानी कि डॉय होते हैं, और 1 or 2 बक रखे जाते हैं। स्मॉल कमर्शियल रैबिटरी की बात करें तो 10 to 50 डॉयज होते हैं। वहीं पर लार्ज कमर्शियल रैबिटरी की बात करें तो मोर देन 50 डॉयज रखे जाते हैं। ये सिस्टम जो है ये यूरोप और अमेरिका में अपनाया जाता है। ब्रीड्स की बात करें तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीड जो है आपका अंगोरा है। अंगोरा की बात करें तो ये किस लिए फेमस है, फर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। 2.5 to 3 केजी इसका क्या होता है, बॉडी वेट होता है। 2.5 to 3 केजी बॉडी वेट होता है। और जर्मन स्ट्रेन जो होता है ये इसका बेस्ट माना जाता है। इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, जर्मन स्ट्रेन जिसमें सबसे बेस्ट माना जाता है, फर प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। 1 kg पर ईयर जो फीमेल होती है उससे फर प्रोडक्शन होता है, और जो मेल होता है उसे 700 to 800 ग्राम फर प्रोडक्शन होता है पर ईयर। अंगोरा कोट की बात करें तो 98.5% प्योर होता है अंगोरा का कोट जो होता है। वहीं पर शीप फ्लीस की बात करें, फ्लीस मीन्स कच्चा ऊन होता है, शीप फ्लीस जो होता है वो 50% प्योर होता है, लेकिन अंगोरा कोट की बात करें तो 98.5% प्योर होता है। न्यूजीलैंड व्हाइट की बात करें तो कैसा ब्रीड है, मीट ब्रीड है, मीट पर्पज के लिए पाया जाता है। आगे बात करें, लिस्ट देखते हैं कुछ ब्रीड्स की। तो न्यूजीलैंड व्हाइट आपने देखा इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। और बॉडी वेट जो होता है 4.5 to 5.5 केजी होता है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो यूके होता है। ग्रे जायंट की बात करें तो ग्रेइश ब्राउन इसका कलर होता है। बॉडी वेट 3.5 केजी, रसिया ओरिजिन प्लेस है। व्हाइट जायंट की बात करें तो व्हाइट होता है, 4 केजी बॉडी वेट और रसिया ओरिजिन प्लेस है। वहीं पर सोबिया चिंचला की बात करें, सोबिया चिंचला जो होता है स्टील ग्रे बॉडी कलर होता है, यानी कि फर कलर होता है। और वहीं पर 3.5 केजी बॉडी वेट होता है और रसिया इसका ओरिजिन प्लेस है। आगे इंपॉर्टेंट ब्रीड्स की बात करें, देखिए ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं। डच व्हाइट आर ग्रे इसका फर कलर होता है, 3 केजी बॉडी वेट होता है, इंडिया ओरिजिन प्लेस है। आगे बात करें ब्लैक ब्राउन की, तो ब्लैक ब्राउन जो होता है इसका कलर
ब्लैक और ब्राउन होता है, 3.5 केज बॉडी वेट होता है और इंडिया ओरिजिन प्लेस है। आगे बात करें अंगोरा की तो व्हाइट कलर फर होता है, 2.5 to 3 केजी बॉडी वेट होता है और यूरोप इसका ओरिजिन प्लेस है। न्यूजीलैंड व्हाइट, डच ब्लैक ब्राउन और अंगोरा, ये चार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं। आगे बात करें हम लोग रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग की तो ओस्टर साइकिल जो होता है इसमें कोई भी रेगुलर ओस्टर साइकिल नहीं होता है। आप किसी भी बुक में ओस्टर साइकिल के बारे में कोई जानकारी आप नहीं पाएंगे कितने दिन का ओस्टर साइकिल होता है। आगे बात करें फर्स्ट ओस्टर साइकिल कब आता है तो 6 मंथ के एज में होता है। डच ब्रीड जो इंडियन ब्रीड है, डच ब्रीड इसमें 5 मंथ में आता है। आगे बात करें ओवल्यूशन अकर्स 10 to 12 आवर्स आफ्टर मैटिंग, यानी कि ओवल्यूशन जो होता है वो 10 to 12 आवर्स आफ्टर मैटिंग के ओवल्यूशन होता है, एक प्रोडक्शन होता है। आगे बात करें फर्टिलाइज्ड ओवम रीच यूट्रस 72 आवर्स आफ्टर ओवल्यूशन, 72 आवर्स आफ्टर ओवल्यूशन के इसमें जो होता है फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो यूट्रस में पहुँचता है। 1 buck शुड बी अलाउड पर डे मैटिंग, 4 डोज के लिए 1 buck पर डे अलाउड किया जाता है। वहीं पर बात करें पर वीक की तो पर वीक जो होता है 12 डोज के लिए 1 buck को अलाउ कर सकते हैं और 1 buck अलाउ फॉर 10 to 15 डोज रियरिंग, 10 to 15 डोज के रियरिंग में 1 buck अलाउ कर सकते हैं हम लोग या 1 buck अलाउ करते हैं। बर्थ बेबी वेट की बात करें 30 to 80 ग्राम बर्थ बेबी का वेट होता है। आइज ओपन आफ्टर बर्थ 10 to 14 डेज, नंबर ऑफ बेबी इन 1 टाइम बर्थ 2 to 12 बेबी, मदर हैज 8 टीथ बीनिंग कैन इन 5 to 6 weeks, आफ्टर 5 to 6 weeks हम बीनिंग कर सकते हैं। बेबी स्टार्ट्स ईटिंग ग्रास इन 2 to 3 weeks, जो कि गाय भैंसों में भी नॉर्मली होता है 15 से 20 दिन बाद। मदर अलाउड 250 ग्राम पर डे कंसंट्रेट एंड 3 to 5 लीटर वाटर पर डे। आगे बात करें हम लोग बक की तो बक का अगर बॉडी वेट 4 to 5 केजी है उसे कंसंट्रेट कितना चाहिए 175 ग्राम, ग्रीन फॉडर 200 ग्राम। डोई की बात करें बॉडी वेट 4 to 5 केजी है तो उस टाइम पर 150 ग्राम कंसंट्रेट और 200 ग्राम ग्रीन फॉडर। लैक्टेटिंग डॉय की बात करें तो 4 to 5 केजी अगर बॉडी वेट है तो उस टाइम पर 250 ग्राम कंसंट्रेट और 250 ग्राम ग्रीन फॉडर देना चाहिए। वहीं पर बीनर की बात करें अप टू 6 वीक्स के बीनर को क्या कितना बॉडी वेट, अगर 0.6 to 0.7 केजी बॉडी वेट है जो बीनर है अप टू 6 वीक्स तक के बीनर की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको कंसंट्रेट 50 ग्राम और ग्रीन फॉडर जो है वो 100 ग्राम देना चाहिए। आगे बात करें तो ईयर टैटूइंग इज बेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई आफ्टर बीनिंग, ईयर टैटूइंग इसमें बेस्ट मेथड माना जाता है आइडेंटिफिकेशन का। फर्स्ट ईयरिंग 4 times इन अ ईयर व्हेन 6 semi इन दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी मेनली करते हैं इसमें जो फर्स्ट ईयरिंग करते हैं, जब 6 सेंटीमीटर का हो जाता है फर और 4 बार करते हैं एक ईयर में। आगे बात करें हम लोग स्पेस फॉर यंग रैबिट की बात करें तो 45 सेंटीमीटर हाइट हो और 0.56 square meter फ्लोर स्पेस होना चाहिए। आगे बात करें रैबिट डिजीज की तो रैबिट डिजीज में सबसे पहले देखें कॉक्सिडियोसिस जो होता है इसका साइन क्या है, साइन डायरिया है, डायरिया होता है और सडन डेथ हो जाता है किसमें, कॉक्सिडियोसिस में। अगर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो वायर केज फ्लोर बनाना चाहिए और सल्फा मेजाटिन वाटर में मिलाकर देना चाहिए। आगे बात करें हेपेटिक की तो इसमें कोई साइन नहीं होता है, व्हाइट स्पॉट इन पोस्टमार्टम जब करते हैं तो व्हाइट स्पॉट उसमें बनता है। आगे बात करें म्यूकॉइड इंटरस्टिस की बात करें तो म्यूकॉइड मटेरियल इन फेसेस, इसके फेसेस में कैसा होता है म्यूकॉइड मटेरियल निकलता है। इंक्रीज फाइबर इन फूड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं तो फाइबर फाइबरस क्रॉप या फाइबरस फूड जो है मटेरियल उसको देते हैं। टिफलिटिस की बात करें तो डायरिया विथ म्यूकस, म्यूकस के साथ जो है डायरिया के साथ म्यूकस आता है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ईयर कैंकर की बात करें तो एलोइस ब्राउन
इन ईयर ईयर में क्या कैसा कलर रहता है, एलोइस ब्राउन धारियां पड़ जाती हैं। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड वाटर मिलाकर देना चाहिए। आगे बात करें सोर हॉक की, तो नेक्रोसिस अंडर हिंड फीट में क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। और अवॉइड रफ केज फ्लोर, रफ केज फ्लोर जो है अवॉइड करना चाहिए, यानी कि रफ केज फ्लोर नहीं होना चाहिए, अच्छा फ्लोर हो यानी सॉफ्ट हो, रफ नहीं हो। आगे बात करें विटामिन नेसेसरी फॉर रैबिट, तो ए डी ई विटामिन, ए विटामिन डी विटामिन ई इसके लिए नेसेसरी होता है। लो फाइबर डाइट रिड्यूस ग्रोथ, मिनिमम 10% फाइबर जो है इन फीड में अलाउड करना चाहिए, यानी कि 10% फाइबर तो होना ही चाहिए इसके फूड मटेरियल में। और अगर लो फाइबर डाइट है तो क्या होता है, ग्रोथ इसका रिड्यूस हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। तो ये हमें लगता है कि कंप्लीट नोट्स रहा आपके रैबिट के बारे में। इससे ज़्यादा अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो हम अलग से एक जो भी छूटे होंगे पॉइंट्स उनको हम अलग से वीडियो बना के ले आएंगे आपके लिए। फिलहाल कैसा लगा वीडियो आप सभी को, आप कमेंट बॉक्स में उस कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये भी बताएंगे आप, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पर आपके लिए लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।